फ्रेंड्स मैं एक शेफ हूँ, मेरा नाम चाशा है। आपको देखा ही वो मैं क्या कुछ सब बनाती हूँ। ये सब छेना मैं टिप टिप तिरंगा बनाना चाहती हूँ। और ये है छेना, इसमें चीज़ है और अनियन खीरा है। मैं मिर्ची बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए, तो मिर्ची डालने से बच्चे को झाल लग सकती है। और ये सॉस, इसमें सॉल्ट वो सब डाला हुआ है। और ये है चटनी, और ग्रीन चटनी जिससे झाल है उसमें थोड़ा सा। और ये चटपटी नाचो लहसुन है। ये अनियन टमाटर, और ये नाचो ककड़ी। और इसमें डिजाइन, क्योंकि डिजाइन में तो अच्छा ही सबको लग रहा। और चलो, और ये भुजिया है। ओके, मैं टिंटो नाचो चटपटा जैसे होता है नाचो चटपटा, वैसे मैं ऐसा न्यू तरीका बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा चीज़ डाला, चीज़ बहुत अच्छा था। जैसे मैं आपको बताया कि चीज़ इसमें नमक और मिर्ची है बहुत, मैं मिर्ची हो सकता है। मैं थोड़ा सा डाला, इसको सूखने दे थोड़ा सा। मैं नेक्स मारती हूँ ओके, क्योंकि ये सूखने में बहुत टाइम लगे, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब मैं दूसरे में डालूँ, क्योंकि अभी तो ये बहुत टाइम सूखने में, तब तक मैं दूसरे में डालती हूँ। थोड़ा सा सजा दिया है। और ये ग्रीन कप की मैं टमाटर डालने वाली, आइए टमाटर डाल। देखो छोटे छोटे डालियो, क्योंकि पीस खत्म होने से तो हम लोग और कुछ नहीं कर पाए, मैं छोटे छोटे डालियो। और ये टमाटो है, टमाटो अब इसमें ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट अब मैंने टमाटर डाल दिया, अब मैं अनियन, मैंने डाल दिया अनियन और छेना। देखिए पूरा मैंने छेना अच्छे से ग्रंथ किया है। जैसे मैंने टमाटर डाला, अब देखिए ऑनियन छेना फिर ये डाला है। मैं चटनी डाली, क्योंकि चटनी अच्छा होता है। मैंने आपको बताया था चटनी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने डाल छोटी छोटी बहुत। अब मैं किसी और में डालू, देखो चेरी जैसा लग रहा है, कोई पसंद आई हो शायद। अब मैं ये डाली, तब ये डाली, वो स्वाद होता है। और ये चटनी था, मैंने आपको बताया था। मैंने इसको डाल दिया। अब मैं चटपटा साथ लहसुन की चटनी में डालूंगी। पूरा डल गया है ना, स्वाद अच्छा। आप लोग सब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा तिरंगा का कलर इसमें उभर कर आया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिश लग रहा है। बना दिया चटपटा। तुम तो बेला बोले थे मैं शेफ हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए नाचोस बनाए। अब टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ।
मतलब आपको सबको खाके बोला जाता है। अब देखते हैं, बाय। रुको।